सो दोस्तों बॉनफायर लग चुकी है और खाना बन रहा है। कुकर के अंदर ये लोग चिकन बना रहे हैं और वेज भी बन रहा है, कहीं पे इधर बन रहा है शायद उधर बन रहा है, तो बढ़िया है, अच्छा सेटअप लगा रखा है, कहीं पे किसी को डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, अपना पकाओ अपना खाओ। और सर चीयर सर, आप आज पानी नाल ही पानी नाल काम चला रहे हैं? पानी नाल काम, गुड गुड। अपने वहाँ आपके साथ में एक मेरा पिज़्ज़ा खा कर देंगे, तो गांव में रहता है विकास रावल नाम है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। सर दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ चिकन एंड पनीर। चिकन और पनीर इकट्ठा ग्रेवी उनकी बना रखी है, ग्रेवी बन रही है, ग्रेवी है उसमें जो चाहो बनाओ, दो चीजों की ग्रेवी है, ग्रेवी का सामान प्याज और टमाटर। ये पनीर डालने के लिए नहीं, ये कार्यक्रम वाला पनीर है। ये चीयर्स चीयर्स समझ जाओ। चाकू है पूरा सेट है चार दा, चाकू फोर चम्मच एदे एक सेट, चाकू फोर चम्मच, चाकू फोर चम्मच। अच्छा है, हां ये बहुत बढ़िया स्टेनलर ऊपर, हुन अंडे बॉईल करके ना वो पानी सारा छलपाया है, ए मग दिते ने प्लेटा दी है। अच्छा ये अंडे वाले है, चलो थले रखो थले रखो, कोई नहीं सर, इसका लिंक भेजना मुझे, भेज दूंगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हां ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो आजकल ना मतलब नॉर्मली वो मोटे मोटे से छोटे छोटे से ये रहा ना मोटा छोटा। हां ये नहीं नहीं ये नहीं, ये देखो प्लेट ऐसा ऐसा वाला ही होता है ना, ये इसकी बात नहीं कर रहा, ये पंप की बात कर रहा हूं। वो मेरे पास मोटा वाला भी है, हाँ वो थोड़ी देर बाद खराब हो जाता है, मैंने सुना दुखी हो गया फिर ये नया लिया। अच्छा अच्छा, ये तो मतलब ये मर्सिडीज है, वो एल्टो है, इतना फर्क। हाँ इतना फर्क, कहाँ छिले इसको, ये छिले उधर लेके चले गए। तो लाइफ नो लाइफ लाइव म्यूजिक शुरू हो चुका है, एक ना बाली ब्रह्मपट का गाना। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है, आज थर्ड डे हो गया, मॉर्निंग मॉर्निंग तो उठ गए हैं, थोड़ा लेट ही उठे आज, और दिन का आज का शुरुआत करते हैं चाय के साथ, तो फ्रेश फ्रेश हो लिए, चाय पीते हैं, चाय ऑर्डर कर दी है, अब देखते हैं कितने बजे निकलना, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे आराम से, 11-12 तो बज ही जाएंगे, तो चलो चलते हैं। तो ये आज भी अच्छा धूप वाला मौसम है, क्लियर मौसम है, कोई बादल नहीं कोई कुछ नहीं, बढ़िया है मस्त। चलो जी चाय वाय पीते हैं फिर नीचे चलते हैं कैंप साइट पे और तैयारी करते हैं जाने की। सो चलो चाय पानी अपना हो गया, पैकिंग वैकिंग करते हैं, कम्बल कुम्बल सारा पैक करते हैं, इधर भी सारी इन्होंने पैकिंग वैकिंग कर ली अपने बिस्तरे वेस्तरे, बस अब जो सामान गिरा हुआ है उसको उठाया जाए क्योंकि छोड़ नहीं सकते, दिस इज़ नॉट गुड। तो चलो स्पाइस भी करके फिर अपनी पैकिंग करते हैं। तो ये टेंट अब बंद होने वाला है, तो इससे पहले बंद हो एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं अंदर जाके। चमक आ रही जा रहा, एक्सपोजर हो रहा है ज़्यादा। सुरक्ष भाई ये जो सीढ़ी है ये कितना वेट दे लेती है? 150 के प्लस प्लस में झेल लेंगे, मेरा 120 है। नहीं सर मतलब ये ना सेफ्टी वाली है, होता क्या है ना ये झेल तो 200-250 लेगी, पर जो सेफ रेंज है वो 150 के आसपास है। okay. क्योंकि क्या है ना देखो अब ये इसका वेट लेके रखिए, अब जैसे हम दो बंदे यहाँ इस पे बैठ जाएंगे ना आराम से लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट है ना इधर और इधर दो तरफ से सपोर्ट मिल गया। राइट राइट ले लेते हैं, लिखा ही रहता है इधर कुछ लिखा, यहाँ लिखा ना लिखा हुआ है 150 के लिए, ये देखो मैक्स 150 के जी। राइट, फिर ये देखो टेंट बंद हो रहा है,
ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਪੈਕ ਕਰੀਏ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਮਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਆ ਬਸ ਅਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੇ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੇ 1 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇਗੇ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾੜੀ ਮੈਂ अच्छे से सोया नहीं जा सकता मतलब क्योंकि ये जगह कम है तो उसका कुछ करना पड़ेगा सिस्टम देखते हैं सोचते हैं करते हैं इसके ऊपर भी विचार विमर्श सोचते हैं इसके बारे में तो चलो फिलहाल के लिए सामान पैक करें और निकले फिर फटाफट चलो अभी मिल लिया सबसे और निकलते हैं अब गाड़ी स्टार्ट करें निकले तो यहाँ से तकरीबन 4.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है 4 घंटे 47 मिनट्स तो 5:30-6 बजे तक पहुंच जाएंगे खाना वाना खा के बीच में बाकी अच्छा रहा यार मतलब बहुत मज़ा आया और सब लोग ज़्यादातर लोग एक दूसरे से अनजान थे मतलब नहीं जानते थे और लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगा कि पहली बार मिल रहे हैं सब इतना अच्छा था सब अच्छे लोग थे और अरेंजमेंट्स भी अच्छे थे खाना वाना भी ठीक था और वॉशरूम एक्सेस मिल गया वो सबसे अच्छी बात थी अदरवाइज़ मुझे पर्सनली थोड़ा कैंपिंग में ये इस चीज़ की दिक्कत रहती है कि मतलब मैं सोचता हूँ कि होगी ऐसी दिक्कत अगर वॉशरूम एक्सेस नहीं होगा तो बट ऐसे कभी करके तो देखा नहीं तो ऐसे कभी नौबत नहीं आई या मौका नहीं मिला जो भी है तो मतलब अच्छा था ओवरऑल बढ़िया था जैसे मैंने बताया था आते हुए कि ये जो आसपास ये वाला जो फ्लाई ओवर है इसके आसपास राजा जी नेशनल पार्क है तो ये फ्लाई ओवर इसलिए बनाया है कि पहले तो नॉर्मल रोड होती होगी और हाथी बहुत इधर से उधर जाते हैं बेसिकली एलिफेंट कॉरिडोर है तो हाथी की जो मूवमेंट है वो इस कॉरिडोर के थ्रू होती है और हाथियों को कोई प्रॉब्लम ना हो और उनकी एग्रेसिवनेस की वजह से लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो तो ये फ्लाई ओवर बनाया तो हाथी इसके नीचे से ही अपना आना जाना कर लेते हैं तो हाथी भी सेफ और इंसान भी सेफ सो पहुंच गए नोएडा एक्सटेंशन और क्रॉसिंग रिपब्लिक वाली एरिया में तो यहाँ से काफ़ी टाइम दिखा रहा है नॉर्मली यहाँ से आधा घंटा लगता है उससे भी कम पर आज 48 मिनट दिखा रहा है क्योंकि आगे तगड़ा जाम है तो अभी तक नोएडा एक्सटेंशन वाले एरिया में फंसा हूँ क्रॉसिंग रिपब्लिक टू नोएडा एक्सटेंशन वाली जो रोड है पतली रोड है ना और उसको भी डिवाइड किया हुआ है और रश भी काफ़ी होता है मतलब ट्रैफिक भी काफ़ी है तो वो पूरा नहीं पड़ रहा मतलब रोड पूरी नहीं पड़ रही तो यार रहता ही है मोस्टली जाम तो
और जी पहुंच गए घर, मतलब अपने सेक्टर में, और टाइम लग गया ऑलमोस्ट वही 12:30 चला था, 5:15 लग गए ना, सॉरी 4:45 लग गए। सो चलो मतलब वैसे तो ठीक ही रहा सारा सफ़र, ये थोड़ा सा जाम मिल गया नोएडा एक्सटेंशन में, और दैट्स ओके पहुंच गए टाइम पे। और तो चलो मिलते हैं घर चल के, मिलते हैं फिर, क्लोजिंग वहीं जाके करते हैं। हेलो दोस्तों, सो फाइनली घर पहुंच गए और नहा धो के तैयार हो गए, नहा धो के फ्रेश फ्रेश हो गए, और तो अच्छा था सारा कुछ, मतलब रहना सब, जो फ़न किया वहाँ पे, जो इंफॉर्मेशन मिली, जो नॉलेज मिली, जैसे लोगों से मिले अलग अलग जिनको मैं जानता नहीं था, सो काफ़ी अच्छा था यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो आप लोगों को कैसे लगे ये वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और काफ़ी देर बाद मैं इस पर डाल रहा हूँ। चलो मिलते हैं किसी नए ट्रिप के साथ, अगले ब्लॉग में, अगले किसी वीडियो में, किसी सीरीज़ में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।